the first bus was missed by everybody second number mein was the first bus missed by everybody third number mein everybody missed the first bus aur char number mein had the first bus been missed by everybody aap iska uttar dein sahi uttar kya hoga आप sentence को समझे कि किस टेंस में है उसके बाद इसका उत्तर दें Okay? Its answer is second number. Was the first bus मिस्ड बाई एवरीबॉडी यानि किसी भी सेंटेंस में अगर डिड रहा है तो वाज वर्ग का प्रयोग होता है पैसे वॉयस में ओके okay? और यह इंट्रोगेटिव में है. उसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट उसके बाद भी थ्री उसके बाद बाई उसके बाद ऑब्जेक्ट कम टू दम्बर वी विल नॉट अलाउड टू देम सॉरी अलाउड देम टू रन अवे एक नंबर में दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाई बस दो नंबर में दे वुड नॉट बी अलाउड टू रन अवे तीन नंबर में दे आर नॉट अलाउड टू रन अवे और चार नंबर में दे वर नॉट अलाउड टू रन अवे आप बताएं इसका सही से उत्तर सेकंड नंबर का ओके सेकंड नंबर का उत्तर होगा फर्स्ट नंबर दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाय बस देखिए यह भी पैसिब में इसको चेंज किया गया है अगर सिंपल फ्यूचर में कोई सेंटेंस हो जिसे पैसिव पैसिब बदलने के लिए शैल वी और विल बी का प्रयोग किया जाता है उसका भर्व का तीसरा रूप होता है ठीक है कम टू दर्ड नंबर क्वेश्चन एवरी वन मस्ट रीड दिस बुक एक नंबर में होगा दिस बुक शुड बी रेड बाई एवरी वन दो नंबर में दिस बुक हैज टू बी रेड बाई एवरी वन थर्ड नंबर में दिस बुक इज टू बी रेड बाई एवरी वन चार नंबर में दिस बुक मस्ट बी रेड बाई एवरी वन थर्ड नंबर का उत्तर दे आप ओके इट्स आंसर इज फोर्थ इसका उत्तर चार नंबर होगा दिस बुक मस्ट बी रेड बाय एवरीवन, देखिए मस्ट जो है मॉडल है और मॉडल भर्व के बाद पैसे बस में बी का प्रयोग किया जाता है उसका भर्व का तीसरा रूप होगा बाई होगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा कम टू द फोर नंबर ही न्यू दैट हिज ऑन लाइफ वॉज अनजस्ट पहला होगा इट वॉज़ नॉन टू हिम दैट हिज ऑन लाइफ हैड बिन अनजस्ट सेकेंड में इट वॉज नॉन बाय हिम दैट इज़ ऑन लाइफ वाज अनजस्ट तीन नंबर में इट वॉज़ नॉन टू हिम दैट इज़ ऑन लाइफ वाज अनजस्ट और चार नंबर में इट वॉज़ नॉन बाय हिम दैट लाइफ वॉज अनजस्ट अब इसका उत्तर दे फोन नंबर का सही उत्तर क्या होगा ओके इट्स सेंसर इज थर्ड इट वॉज नॉन टू हिम देखिए कभी भी एक्टिव में अगर न्यू हो ये नो हो तो पैसिब में जब आप बनाते हैं तो बाई नहीं लगता हमेशा टू लगता है इसे आप ध्यान देंगे और उसके बाद तो जो टू बी वर्ब है वो तो टेंस के अनुसार चेंज होगा ओके कम टू द फाइव नंबर क्वेश्चन द स्टूडेंट हैज़ लर्न द आंसर बाय हार्ड एक नंबर में द आंसर वाज लर्न बाय द स्टूडेंट बाय हार्ट दो नंबर में द आंसर इज लर्न बाय हार्ट बाय द स्टूडेंट तीन नंबर में आंसर बाय द स्टूडेंट ज लर्न बाई हार्ड छः नंबर में आंसर हैज बिन लर्नड बाई हार्ड बाई द स्टूडेंट आप सही उत्तर दें पहले तो आप टेंस को समझें किस टेंस में एक्टिव है उसी टेंस में पैसिव होगा ओके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है ओके आंसर इज फोर नंबर द आंसर हैज बीन लर्नड बाई हार्ड बाई द स्टूडेंट प्रजेंट प्रोडक्ट में क्या होता है कि हैजबिन और हैव हैब्बिन के बाद हमेशा बिन और भीतरी का प्रयोग किया जाता है कम टू द नंबर क्वेश्चन द ओल्ड लेडी टच एंड पैटेड द काओ एक नंबर में द काओ पैटेड एंड टच द ओल्ड लेडी दो नंबर में द काओ वाज टचड बाय द लेडी पैटिंग हर तीन नंबर में द काओ वज पैटेड एंड टचड बाय द ओल्ड लेडी और चार नंबर में द पैटेड काउ टस्ट द ऑलरेडी <coughs> अब इसका उत्तर दें सिक्स नंबर का ओके इट्स आंसर इज थर्ड द काओ वॉज पेटेड एंड टचड बाय द ऑलरेडी कम टू द सेवन नंबर क्वेश्चन दिस वॉच वॉज गिवेन टू मी बाय माय ग्रैंडफादर आपको बतानी है कि देखिए ये सेंटेंस जो पैसिव में है तो आपको बनाना क्या है एक्टिव तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ माई ग्रैंडफादर फादर गिव मी दिस वॉच दो माई ग्रैंड फादर गिव्स मी दिस वॉच तीन नंबर में माई ग्रैंड फादर हैड गिवेन दिस वॉच टू मी और चार नंबर में माई ग्रैंड फादर हैड गिवेन दिस वॉच टू मी अब इसका प्रॉपर उत्तर दें ओके इट्स आंसर इज फर्स्ट माई ग्रैंड फादर गेव मी दिस वॉच यानी पहला जो आप पढ़े थे वो पैसिव में था आप एक्टिव बना दिए तो आप जानते हैं वॉज वेर जो भी होता है तो सब्जेक्ट प्लस बी टू होता है ओके कम टू द एट नंबर क्वेश्चन बाई होम इज द चाइल्ड बींग फिट सॉरी सेवन नंबर आप कंप्लीट कर लिए आप एट नंबर में आ गए बाई होम इज द चाइल्ड बींग फिट एक नंबर में होगा हु इज फीडिंग द चाइल्ड दो नंबर में हुट फेड द चाइल्ड तीन नंबर में हु वॉज फीडिंग द चाइल्ड चार नंबर में हु हैज बीन फीडिंग द चाइल्ड एट नंबर का उत्तर दें आप ओके इट्स एंसर इज फर्स्ट हु इज फीडिंग द चाइल्ड देखिए इसमें क्यों ऐसा हुआ क्योंकि हु जब भी रहता है तो बाई हुम का पैसे बॉयस में प्रयोग किया जाता है यानी जो यहाँ है यानी एक्टिव में है और पे, और एक बात मैं बता दूँ कि जब भी आईएनजी हटाया जाता है पैसिव में तब वहाँ बीइंग का प्रयोग किया जाता है एक्टिव में जब आईएनजी हटाया जाता है तो पैसिव में बीइंग का प्रयोग किया जाता है कम टू द नाइन नंबर क्वेश्चन एलेक्सेंडर एक्सपेक्टेड टू कंक्टर द वर्ल्ड पहला इट वॉज एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर दैट ही शुड कंक्टर द वर्ल्ड दो नंबर में इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर दैट ही वुड कन कोअर द वर्ल्ड थर्ड नंबर में इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय अलेक्गजेंडर दैट ही विल कन कोअर द वर्ल्ड चार नंबर में इट हैड बिन एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर दैट ही वुड कन क्वर द वर्ल्ड आप नाइन नंबर का उत्तर दें सही उत्तर क्या होगा आप पहले देखें कि जो क्वेश्चन है वो एक्टिव है ना पैसिव में है उसके बाद अब उसको अगर एक्टिव में तो पैसिव बनाए ओके इट्स एंसर इज सेकेंड इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई अलेक्जेंडर दैट ही वुड कन कर्ट द वर्ल्ड कम टू द टेन नंबर सी बिगिनस हर डे विथ अ कप ऑफ कॉफी एक नंबर में हर डे इज बींग बींग बिगन विद अ कप ऑफ कॉफी दो नंबर में हर डे इज बिगन विद अ कप ऑफ कॉफी तीन नंबर में ए कप ऑफ कॉफी इज बिगनिंग हर डे और चार नंबर में ए कप ऑफ कॉफी हैड बिगन हर डे यानी टेन नंबर का आप उत्तर दें चार ऑप्शंस मैंने पढ़ दी ओके इट्स आंसर इज सेकंड हर डे इज बिगन विद अ कप ऑफ कॉफी यानी ये किस टेंस में है अब टेंस सबसे पहले आप टेंस को जानी है कि अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो पैसिव वॉइस में क्या प्रयोग होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बी थ्री एलेवन नंबर कैको इज बैटर वैन इट इज टेस्टेड ए एक नंबर में एलेवन का मैंने बताया आपके पास ऑप्शन एक नंबर में है कैको इज बिटर दो नंबर में कैको टेस्ट बिटर तीन नंबर में टेस्ट इज बिटर चार नंबर में कैको टेस्टेड बिटर आप इलेवन नंबर का सही उत्तर दें आप पहले देख लें कि ये एक्टिव में है ना पैसिव में है अगर पैसिव में है तो आप एक्टिव बनाए इसको ओके एलेवन नंबर का उत्तर क्या होगा दो नंबर को टेस्ट बिटर यानी इसका मतलब सेंटेंस जो पहला था वो पैसे में था आपने एक्टिव बनाई ओके कम टू द ट्व नंबर ए ग्रेट मैन एक्नोलेज मी एज ए फ्लैटर टू हिम ऑप्शंस हैं एक नंबर ट्वेल्व नंबर का फर्स्ट ऑप्शंस आई वॉज एक्नोलेज बाई ए ग्रेट मैन टू बी ए फ्लैटर दो नंबर फ्लैटर है सॉरी फ्लैटर आई वॉज acknowledged बाई ए ग्रेट मैन टू हैव बीन ए फ्लैटर तीन नंबर में आई एम acknowledged एज ए फ्लैटर बाई ए ग्रेट मैन और चार नंबर में होगा आई वॉज acknowledged एक्नोलेज होता है ना एज ए फ्लैटर टू ए ग्रेट मैन ओके आप पढ़ लेंगे सेंटेंस को पढ़कर तभी आप बनाएंगे ट्वेल्व नंबर का ओके इट्स आंसर इज फर्स्ट इट आई वॉज एक्नोलाइज बाई ए ग्रेट मैन टू बी ए फ्लैटर कम टू द थर्टी नंबर लेट अस हेल्प हिम आप इसका पैसि बनाए किस तरह से होगा एक नंबर में लेट हिम हेल्प अस दो नंबर में लेट ही इज हेल्प्ड तीन नंबर में लेट ही बी हेल्प्ड चार नंबर में लेट हिम बी हेल्प्ड थर्टी नंबर का उत्तर दें सही उत्तर क्या होगा ओके इट्स आंसर इज फोर लेट हिम बी हेल्प्ड ओके देखिए लेट का जो हम प्रयोग करते हैं हमेशा ऑर्डर और कमांड सेंटेंस में ही हम करते हैं कम टू द फोर्टी नंबर कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बाय एवर फॉरगटेन बाय मी एक नंबर में होगा शेल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स सेकेंड नंबर में कैन आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स थर्ड नंबर में विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स चार नंबर में कुड आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स अब इसका सही उत्तर दें क्या होगा फोर्टीन नंबर का ओके इट्स एंसल सेकेंड कैन आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स कम टू द फिफ्टी नंबर यू हैव टू डू दिस इमिडियटली एक नंबर में होगा दिस हैज बीन डन बाई यू इमिडियटली सेकेंड नंबर में दिस इज बींग डन बाई यू इमिडियटली थर्ड नंबर में दिस वॉज बींग डन बाई यू इमिडियटली चार नंबर में दिस हैज़ टू बी डन बाई यू इमीडिएटली देखिए जब किसी भी टू बी भर्व के साथ अगर टू लग जाता है तो वह इन्फिनेटिव बन जाता है जैसे यहां पर यू हैव टू डू है तो यह इन्फिनेटिव हो गया इसका पैसिव है। ओके फिफ्टी नंबर का उत्तर दें आप ओके इट्स इज फोर दिस हैज टू बी जब भी टू लगता है तो वो बी लग जाता है उसके बाद भीतरी का प्रयोग होगा यानी दिस हैज टू बी डन बाई यू इमीडिएटली कम टू दिक्कस नंबर क्वेश्चन द लेवर वेयर द लेबरस व डिगिंग ए कैनल एक नंबर में होगा ए कैनल इज बींग डिगड बाई द लेबरस दो नंबर में ए कैनल वॉज डग बाय द लेबरस तीन नंबर में कैनल वॉज बींग डग बाय द लेबरस और चार नंबर में कैनल हैडमिन डग बाय द लेबरस आप सही उत्तर दें एक्टिव को देखें किस टेंस में है उसी के अनुसार आप चेंज करेंगे इसको ओके सिक्सटी नंबर का उत्तर होगा थर्ड ए कैनल वॉज बींग डग बाय द लेबरर्स देखिए यहां पर एक्टिव में था द वर विगिंग ए कैनल इसका मतलब क्या होता है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उसके बाद यहाँ डिगिंग आई लगा हुआ है आई हटाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं सिक्सटी नंबर का आई एन जी हटाने के लिए आप बींग का प्रयोग करते हैं बी ई आई एन जी ओके कम टू द सेवेंटी नंबर क्वेश्चन द वॉचमैन स्विच्ड ऑन द लाइट्स बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क आपके पास ऑप्शंस हैं दाइट्स वर ऑनली स्विच्ड ऑन बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क सेकेंड नंबर में द लाइट्स आर बींग स्विच्ड ऑन बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क थर्ड नंबर में द लाइट्स वर बींग स्विच्ड ऑन बाई द वॉच मैन बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क फोर्थ नंबर में लाइट्स वेयर स्विच डॉन बाय द वॉचमैन बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क आप सेंटेंस को सबसे पहले समझिए किस टेंस में उसके बाद आप पैसे ओके इट सेंसर इज फोर द लाइट्स वर स्विच डॉन बाय द वॉचमैन बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क देखिए सब्जेक्ट प्लस बी टू था यानी पास्ट में था तो पास टेंस में कर, जब कभी एक्टिव रहे तो बेसिस वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस भी होता है एटी नंबर वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजींस एक नंबर में वेयर वेयर वर द करेंट मैगजींस कैप्ट दो नंबर में वेयर हैव द करेंट मैगजींस बीन कैप्ट तीन नंबर में वेयर आर द करेंट मैगजींस बींग कैप्ट चार नंबर में वेयर आर द करेंट मैगजीन्स कैप्ट you? ओके okay. आप एटी नंबर का उत्तर दें ओके इट्स आंसर इज फोर वर द करेंट kept कैप्ट you? देखिए यहां पर सॉरी ए नंबर में व नहीं है सॉरी वेयर आर द करेंट मैगजीन्स कैप्ड बाय यू यहाँ पर वेयर है उसके बाद एम इज आर का प्रयोग किया गया है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बनाया गया है इस तरह से इसका प्रयोग किया गया कम टू द नाइन्टीन नंबर क्वेश्चन सी विल बी रिवार्डेड फॉर हर काइंड डीड एक नंबर में हर काइंड डीड विल रिवार्ड हर दो नंबर में हर काइंड डीड विल रिवार्डेड हर तीन नंबर में हर काइन डीड विल बी हर रिवार्ड और चार नंबर में हर काइन डीड ड been, been आप इसका सही उत्तर दें क्या सही उत्तर होगा नाइनटी नंबर कांसर इज फर्स्ट हर काइंड डीड विल रिवार्ड हर यानी पहला सेंटेंस आप समझेंगे कि किसमें था यानी एक्टिव में था ना पैसे में तो पहला सेंटेंस पैसे में था तो यानी आपको उत्तर किस रूप में ढूंढना था उत्तर एक्टिव रूप में ढूंढना था इसलिए पहला उत्तर क्या होगा फर्स्ट नंबर ओके कम टू द ट्वेंटी नंबर गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस एक नंबर में हैप्पीनेस इज बाय गॉड थर्ड नंबर में हैप्पीनेस हैज बीन गिवेन बाय गॉड और चार नंबर में हैप्पीनेस विल बी गिवेन बाय गॉड ओके इट्स आंसर इज फर्स्ट हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड ये तो बहुत आसान था सिंपल प्रेजेंट में क्या प्रयोग किया जाता है एम इज आर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस भीतरी का ओके कम टू द इलेवन नंबर क्वेश्चन हैज सी वर्कड आउट ऑल द सम्स एक नंबर में हैव ऑल द सम्स वर्कड आउट बाय हर दो नंबर में हैज ऑल द सम्स बीन वर्कड आउट बाई हर तीन नंबर में हैव ऑल द सम्स बीन वर्कड By her हर और चार नंबर में all the sums been worked out by her okay ओके 21 ट्वेंटी का उत्तर दे okay its answer is four have all the sums been worked out by her देखिए प्रजेंट फैक्ट में हैज बिन और का है पैसे बहुत से प्रयोग किया जाता है कम टू द ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन सेंड फॉर द डॉक्टर एक नंबर में लेट द डॉक्टर बी sent फॉर दो नंबर में लेट द डॉक्टर सेंड तीन नंबर में लेट द डॉक्टर बी sent चार नंबर में लेट द डॉक्टर सेंड फॉर आप ट्वेंटी टू नंबर का उत्तर दें ओके ये कमांड सेंटेंस में इसलिए इसका उत्तर फर्स्ट होगा लेट द डॉक्टर बी sent फॉर कम टू द ट्वेंटी थर्ड नंबर क्वेश्चन द mad हिम द president ऑफ द क्लब फर्स्ट नंबर दे mad हिम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब

द वर्क सिंसेरली एक नंबर में सिंसियरली दर्क हैज बिन डन बाई देम दो नंबर द वर्क इज बिंग डन बाई सिंसेरली सॉरी दिस वर्क इज बींग डरली बाई देम थर्ड नंबर द वर्क विल हैव टू बी डन सिंसेरली बाय देम फोर्थ नंबर द वर्क विल हैव बिन डन सेंसेरली बाय देम आप ट्वेंटी फोर नंबर को उत्तर दें ओके इट्स आंसर इज थर्ड The work will have to be done sincerely by them. देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जब भी एक्टिव में टू लगा रहा है टू बी भर्व के साथ हैप के साथ या वर या एम इज़ आर तो उसके बाद पैसे में बी का प्रयोग किया जाता है कम टू द ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन डिड द साउंड डिस्टर्ब यू एक नंबर में वाज द साउंड डिस्टर्ब यू दो नंबर में वर यू डिस्टर्ब बाय द साउंड तीन नंबर में वर यू डिस्टर्ब बाय द साउंड फोर्थ नंबर में डिड यू डिस्टर्ब द साउंड ओके आप इसका उत्तर दें ओके इट्स आंसर इज सेकेंड वर यू डिस्टर्ब्ड बाय द साउंड यानी मैंने पहले ही बताया था आपको कि किसी भी सेंटेंस में एक्टिव में अगर डिड रहे तो पैसिव बनाते वक्त आप वाज वर का प्रयोग करेंगे ओके okay, तो इसका सही उत्तर क्या होगा सेकेंड नंबर वर यू डिस्टर्ब बाय द साउंड okay students you have completed 25 questions if you like my video please like share and subscribe it thank you